सीतापुर की बिस्वा तहसील में बुधवार दोपहर अचानक हड़कंप मच गया। किसी अनहोनी की आशंका से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। एसडीएम अनुपम मिश्रा, तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह और सीओ अभिषेक कुमार अजय ने परिसर में अफरा तफरी देखी तो अपने अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए। दरअसल बिस्वा तहसील गेट के पास रखे 250 केवी ट्रांसफार्मर में एकाएक आग लगने से भगदड़ के हालात बन गए। आबादी व भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग की बेकाबू होती लपटों को देख बड़ी अनहोनी की आशंका में हर किसी की सांसें अटक गई। उधर ट्रांसफार्मर से लपटों व धुएं का गुबार देख सारा माजरा समझते हुए अफसरों ने सक्रियता दिखाई और लोगों को घटनास्थल की ओर जाने से रोकते नजर आए। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद सब ने राहत की सांस ली। ट्रांसफार्मर फूकने से तहसील थाना शकरगंज का कुछ हिस्सा, गंगागंज तथा जगन्नाथगंज के करीब 200 मकानों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। तकरीबन 1,00,000 की आबादी को बिजली संकट से जूझने को विवश होना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अवर अभियंता विद्युत वीके सिंह के मुताबिक आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जा रही है। गुरुवार तक ट्रांसफार्मर को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।